इवनिंग में एक वीडियो मैंने अपलोड किया जिसमें मैंने आपको बताया भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 से 60 ऐसी एनबीएफसीज को आइडेंटिफाई किया है जो कि इलीगल काम कर रही हैं, जो कि गलत काम कर रही हैं, व्यक्तियों को अपनी एप्लीकेशन के जरिए 50 से 60,000 रुपए का लोन देने का दावा तो करती हैं लेकिन उनको 1,000, 1,500 या फिर 10,000 रुपए तक का ही लोन देती हैं और वो भी 7 से 15 दिन के लिए। और अगर व्यक्ति भुगतान करने में थोड़ी देरी कर दे तो व्यक्ति को गालियां दिलाई जाती हैं और उनसे डबल अमाउंट वसूला जाता है। मानो किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपए का लोन लिया है और 7 दिन या फिर 15 दिन बाद अगर उसने भुगतान करने में थोड़ी देरी कर दी तो उससे 5,000 रुपए के 10,000 रुपए लिए जाते हैं। तो मैंने अपने वीडियो में क्लियरली ये बताया था कि ऐसी एप्लीकेशंस जो भी हैं उनकी पूरे तरीके से जांच चल रही है और आरबीआई जो है ऐसी 50 से 60 इलीगल एनबीएफसीज पर ताला लगा सकता है जो ऐसी एप्लीकेशंस को चला रहे हैं और जिन भी व्यक्तियों से उन्होंने अवैध तरीके से पैसा लिया है उनको वापस करने के लिए कह सकता है। मैंने क्लियरली बताया था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है अभी ऑफिशियली नहीं आई है, ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारे सूत्र हमें दे रहे हैं। तो कई व्यक्तियों के उस पर कमेंट मुझे प्राप्त हुए, व्यक्तियों ने लिखे सर क्या ये क्रेडिट बी का खेल खत्म होने वाला है, क्या ये स्टैश पिन का खेल खत्म होने वाला है, क्या ये किस्त फाइनेंस का खेल खत्म होने वाला है, क्या ये एम्पॉकेट का खेल खत्म होने वाला है। कई व्यक्तियों ने लगातार जितनी भी ऐसी एप्लीकेशन चल रही हैं उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो देखो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं क्लियरली, ऐसी तो कोई एप्लीकेशन का नाम बाहर निकल करके नहीं आया है कि ये एप्लीकेशन बैन हो जाएगी, इस एप्लीकेशन का खेल खत्म हो जाएगा, ये एप्लीकेशन आपको पैसा वापस करेगी जो इलीगल तरीके से लिया, ऐसी अभी कोई हाल ही में अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आप चेजन शक्ति यूट्यूब चैनल को फॉलो जरूर कर रखे होंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारी वीडियोस के माध्यम से। तो ऐसा इन एप्लीकेशन को लेकर के तो अभी अपडेट नहीं है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगेगा कि ये जो एनबीएफसीज हैं इन एप्लीकेशंस की वो इलीगल तरीके से काम कर रही हैं, गलत काम कर रही हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन पर नहीं इनकी एनबीएफसीज पर इमीडिएट बेसिस पर एक्शन लेगा। सीधी बात तो ये है, बट अभी ये ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं आया है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं, पसंद नहीं आए वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव है आपके पास में तो आप मुझे ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं तो हमने आप लोगों के लिए एक पेड सर्विस की हाल ही में शुरुआत की है, आप इस पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। इस पेड सर्विस को लेने के लिए आपको क्या करना है, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, अपनी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करानी है और आपको बताना है आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। हम आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली अपनी फीस सजेस्ट कर देंगे और आपको बता देंगे आपको क्या करना है, कैसे इन सब चीजों से आपको बचाव करना है। देखिए अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इमीडिएटली आपको हेल्प मिल जाएगी, आप 24/7 संपर्क कर सकते हैं, बट आपको चार्जेस तो पे करने पड़ेंगे। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बहुत सारी वीडियोस हमारी अवेलेबल हैं, आप हमारी वीडियोस को देखिएगा और अच्छे तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन उनके माध्यम से मिल जाएगी। अगर आप इस सर्विस को लेने में सक्षम है तो डेफिनेटली लें, अगर सक्षम नहीं है तो बिल्कुल भी इस सर्विसेज को ना लें। थैंक यू सो मच।